एक मंथ के लिए अदिन में आसा द आईडी वीजा आई पासपोर्ट एतो पासपोर्ट एतो पासपोर्ट ये जो इनके कपड़े देख रहे हो आप ये पूरे स्किन से बने हुए कुत्तों की स्किन से तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। आज हूँ मैं टोस में और मैं जा रहा हूँ केमेरो नाम की सिटी में। तो ये होगी हमारी बस नंबर 4। तो जस्ट ट्रेन स्टेशन के पास में ही बस स्टेशन भी है। वोक्जाल मतलब ट्रेन स्टेशन और अब तो वोक्जाल मतलब बस स्टेशन। यहाँ पे जो बस स्टेशन होते हैं उनको भी ऐसे ट्रेन स्टेशन की तरफ पैक बनाया जाता है ताकि ठंड ना लगे अंदर की तरफ। सो चलते बस स्टेशन की तरफ और अंदर से बस स्टेशन बताते आपको। नास्तिया। सो नास्तिया मुझे बोल रहे हैं कि ये सारे सिम फ्री हैं एक मंथ के लिए। अदिन में आसा द यूट्यूब द Откуда приехал? Кемерово. Так, кстати, тоже у нас симки. А это виза. А есть паспорт? Это паспорт. Это виза. Это паспорт. А, вот это паспорт. Какой номер выбираешь? Это хорошо. Хорошо. У меня электронная форма договора. Ты, если вдруг ее потеряешь, то по документу сможешь ее восстановить через салон. Ты не понимаешь, да, немножко? Нет, да. Давай переводчик. Так, а есть прописка? Прописка это что? Тарифный план будем с тобой устанавливать? Я... Это не это бесплатно. Тариф? Тариф нужно оплатить. Тариф это деньги, да? Да. У меня есть сим-карт. Хотя бы на минимальную, на 200 рублей. Сколько? На 200. У меня есть сим-карт. Есть симка. Да, мегафон. Еще я подозрю. Да? Вот это... What will I do with another sim card? I have already sim card. Ладно, хорошо тогда. Да. Хорошо. Да. Приятного дня. Да. Ладно, счастливо. Да. То есть это бас стейшн. Мне को पता नहीं मेरी बस कहां आएगी, पर देखते हैं कहां है। तो हुआ यूं कि मैं बस में वेट कर रहा था और बस में मुझे मिले यारोस्लाव भाई जो मुझे उनके घर पे लाए। उन्होंने बोला कि अभी तो रात हो गई है, आप कहाँ जाओगे? मैंने बोला कि कोई हॉस्टल वगैरह नहीं। ये बोले कि मेरे घर पे चलो और यहाँ से मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूर है। सो स्पेसिबल सो फॉर इनवाइटिंग मी एंड ये है इनकी मदर लरिसा। दा लरिसा ओचिन प्रियाद माते भी थैंक यू वेरी मच। व्हाट डू यू टीच? डॉक्टर फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी डॉक्टर। यस करो शुरू बता। और यहाँ पे देखो शंकर भगवान की तस्वीर है। तो ये काफी हिंदू शिवा दा शंकर शंकर माशिवा और तो जो शिवा फ्रॉम इंडिया द ये तो शिवा शिवा इंटरेस्टिंग आई लाइक शिवा ना ये तो इट्स गुड मैम। हुआ यूं अभी लरिसा मुझे स्किन कराने ले जा रही है और बोल रही है कि ये वाले कपड़े ले लो, ये ले लो, टोपी दे दी इन्होंने ताकि मेरे को ठंड ना लगे। सो चलते हैं स्किन देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और फर्स्ट टाइम है मेरा स्किन और ये काफ़ी गर्म टोपी है यार। ये जो है ना ये टोपी ये प्रॉपर साइबेरियन है और ये गले में दे दिया। सो चलते हैं। सो शूज पहन लिए हैं, अब इसमें हमको चलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे चलते हैं। सो मेरा फर्स्ट टाइम है स्किंग का, पहले टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहता है देखते हैं। चलना ऐसे पड़ रहा है, ऐसा कुछ है स्काइंग का ग्राउंड। ये काइंड ऑफ हॉकी के लिए प्लेयर होता है। इट इज यूज फॉर हॉकी द आइस हॉकी हॉकी यस एंड समटाइम स्कीइंग एंड नो अदर पीपल
too many people of this, but now no. In this evening, it's for on the us. कभी मस्त कर रहे हैं और मेरे से चला भी नहीं जा रहा, एक दो कदम भी नहीं चला जा रहा है. देखो. What? I'm saying that's difficult for me. Oh. It's the first time. It's difficult for all. Duh. काफी difficult हो रहा है चलने में एकदम सा. इसको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा तब हो पाएगा. और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये आज सिर्फ हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है, सबके लिए बंद है. पता नहीं क्या कॉन्टेक्ट है इनका. ये देखो कितना आसान है इनके लिए. मैं अभी तक वो पीछे कैसे जाऊँ, वापस कैसे जाऊँ, ये सोच रहा हूँ. मुझे बंद करना है ये. मेरे लेग सीधे खड़े ही नहीं हो रहे यार, इम्पॉसिबल है. मेरा सर नहीं फाड़ना मुझे इससे एक्सपीरियंस के चक्कर में. तो अब मैंने जूते टाइट कर दिए हैं, अब देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है. मेरा टारगेट कुछ नहीं है, मेरे को इनके जैसे नहीं करना है. मुझे बस वहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके. वहाँ जाके उतार दूंगा मैं जूते वापस से यार, नहीं करनी स्कीइंग अपन. कैसे करते हैं, मैं तो आके चुपचाप आके बैठ गया. तो गाइस स्केटिंग में बुरी तरह से फेल होने के बाद फाइनली मैं वापस घर पे आ गया हूँ. और ये वाला जो घर है वो लरिसा का दूसरा घर है. सिचुएशन कुछ ऐसी स्टार्ट हुई थी कि भाई साहब मुझे बस में मिले थे यार सलाव भाई साहब. मैंने बोला चलो मेरे घर पे चलो, फिर मुझे यहाँ पे लेके आए और खाना खिलाया, स्केटिंग कराई. अब बोल रही कि ये पूरा घर तुम्हारा है. लरिसा जो उनकी मदर है वो बोल रही है ये पूरा घर तुम्हारा है. तो इस घर में लगभग सब कुछ है. घर की एंट्री बताता हूँ, ये पुराने सोवियत टाइम का घर है. और एक चीज़ इन्होंने और बोला है, इस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, तुम अकेले इस बिल्डिंग में हो तो डरना मत. मैंने कहा वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डरना मरने वाला है ही नहीं अपना सीन. तो ये कुछ एंट्री है. फिर ये कमरा वो है जहाँ मैं सोऊंगा. ये पुराने टाइप की कैसेटें पड़ी हैं, अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं. यहाँ पे है बाथरूम, ये भी बाथरूम. और इसको चालू करें तो ये रहा किचन. सही है, बहुत मस्त जगह. तो चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं. बैग में मैं अपना सामान ले आया हूँ, काम स्टार्ट करते हैं अपना करना. साथ में मैच देखते हैं. तो गाइस सुबह की लगभग 9 बज रही है. आधे घंटे बाद यारसलो भाई मुझे अपने घर के लिए लेने आएंगे. तो मैं इस घर से उस घर पे जाऊंगा जो कि यहाँ से लगभग 300-400 मीटर ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है. वहाँ पे नाश्ता करूँगा, उसके बाद आगे का प्लान वो बताएंगे. तो सुबह सुबह यारसलो भाई साहब आए हैं, अब वापस ये हमको उस घर पर ले जा रहे हैं. वहाँ जाके नाश्ता पानी करते हैं और चलते हैं. सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा है. लिपोशका कार्टोफी नॉर्मल पोनियन. दवाई बुजुर्ग को कर लीजिए. तो ये सब मैं लरिसा को बता रहा था कि अपन क्यों ना आज आलू परांठे बनाते. कल मैंने आलू परांठे बनाए थे तो मैं सोच रहा हूँ आज फिर से आलू परांठे बनाते हैं. आज भी सेम तरीका है, मसाले बिल्कुल कम डालूंगा. सो चालू करते हैं. सबसे पहले आलू ले लिया है, उसको बॉयल करेंगे. बोला ये देखो इनका इनका आटा बना बनाया पैकेट से निकाला इन्होंने यार, काफी मस्त है. यहाँ पे रशिया में कोई काम करना नहीं चाहता, सबको बना बनाया हुआ चाहिए. इनको फ्रूट कटे हुए मिल जाते हैं, फ्रोजन हर चीज फ्रोजन खाते हैं. तो इनका आटा डायरेक्ट बना बनाया हुआ मिल गया. तो सबसे पहले हमने आलू रख दिए हैं बॉयल करने के लिए. उसके बाद आलू बॉयल हो जाए साथ ही साथ हम आटा भी गूंथ देते हैं. इन्होंने आटा निकाला और आटा निकाल के सीधा इसको थोड़ा सा ऐसा गून के इसमें डाल दिया. ये तो कक जाऊत पिरोक 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 सर भाई उक्रोपम. ये तो सलाद का था ना. सो सबसे पहले ये अपनी डिश बना रही है. कुछ इनमें मछली है और आटा है इनका जो, और मैं अपना आटा गूंदना स्टार्ट कर रहा हूँ. प्याज फ्राई हो गई है, हल्की हल्की थोड़ी सी जल भी गई है और आलू अभी भी बॉयल होने बाकी हैं.
और आटा भी मैंने गूंथ लिया है। पर याद रखिए, अगर आप रशिया में आते हो और आटा गूंथते हो तो ये इनके लिए थोड़ा सा अजीब है। ये सब पैक माल लेते हैं, तो उनको पूछ लेना कि हम हाथ से गूंथ सकते हैं ना, गूंथ सकते नहीं, हाथ से गूंथ सकते हैं कि नहीं गूंथ सकते। अगर ये हाँ बोलते तो चलिए ठीक है, ना बोलते तो फिर चम्मच से ऐसे ऐसे कर देना। सो 2 मिनट और लगेंगे आलू को बॉयल होने में, और फिर अपना आलू परांठा तैयार होगा। और रशिया में अगर आपको कपड़े सुखाने हो तो आप बाहर -30 में तो सुखा नहीं सकते, तो यहाँ पर हर जगह ऐसा हीटर लगा रहता है, तो इस हीटर पे आपको आपके सारे कपड़े सुखाने हैं। सो अभी मैंने लरिसा को बोला कि मेरे कपड़े धो दो, मेरे तो कपड़े लगभग 4 दिन से गंदे थे। स्वेटर भी धो लिया, सब धो लिया, और अब यहाँ पे सारे सुखा रहा हूँ। सो इनका खाना रेडी हो गया है, इसलिए है फिश के साथ, और मेरा अभी भी बाकी है। अपना आलू का मसाला बन गया है, आलू और प्याज का मसाला बन गया है, और अब बस बारी है अपन को परांठे बनाने की। सो चलते बनाते परांठे। सो फर्स्ट में ये आटे की लिया बना रही है, और साथ में मेरे को ये आलू का मसाला, आलू का मसाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, और देखते क्या होता है। Long time for this. I prepare. My cook, I prepare. तो कुछ ना पता हम लॉन्ग टाइम ये बोल रहे कि हमारा खाना तो बहुत जल्दी बन गया, तुम्हारा 1 घंटा लगा दिया तुमने। और अपने अपने वाला टेस्टी सा हमको थोड़ा सा जंगल घुमाने लाई है, और इनकी सिटी के पास में थोड़ा सा जंगल है हल्का फुल्का, और ये जंगल मैन मेड है, मतलब इन्होंने लोगों ने बनाया, नेचुरल नहीं, पहले नहीं था, पर सिटी के पास पेड़ पौधे रखने के लिए इन्होंने जंगल बनाया। सो चलते देखते कैसा है जंगल। और ये सारे कपड़े नरिसा ने दिए हैं, रूस की ना ये जो इनके कपड़े देख रहे हो आप, ये पूरे स्किन से बने हुए, कुत्तों की स्किन से। तो सही है, अपने पास ऐसे कपड़े नहीं है यार। It's very warm. Da warm. Look like at home. So यहाँ से जंगल चालू होता है, और लरिसा बता रही है कि जब स्नो पड़ता है तब ये बहुत सुंदर होता है, और जब समर में ये पूरे पेड़ ग्रीन होते हैं तब ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। Do you sky some ski? I like, but I like skate. Da. The Kharosho skating. Thank you. We are far from maybe 3 years. 3 years with Alexander. Alexander. He's my partner. 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 Khadosh partner. Da. Da. Man made. Beautiful, tangible. Da. सो आप देख सकते हो सारे पेड़ एक लाइन में है, तो इसका मतलब ये जंगल खुद बनाया गया है, खुद इन्होंने पेड़ लगाए, और काफ़ी सुंदर है यार जंगल में। पहली बार आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ लोग स्कीइंग कर रहे हैं। टेक अप कक लव यू लाइक कक लिव यू लेतम एता कोलत ना लेतम खरोस जारखा खरोसो खरोशो या कोलद ना खरोशो Нет. Нет? Холодно, нет, хорошо? Жарко, нехорошо. Жарко, нехорошо? Нет. Да. Я тоже люблю холодно. 30-40 degrees, it's very hot. Да. Very difficult. Да. So, ये हमारी एंट्री होती है रशिया के जंगलों में, और बहुत एकदम पिक्चर जैसा सीन लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर की शूट चल रही हो और मूवी टाइप हो, पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ, और टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, पर कपड़े की वजह से इतना महसूस नहीं हो रहा। सो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम एक लेक तक आए, सोल्जर्स लेक, पर ये लेक अब लेक नहीं है अब ये। तो बाहर जैसे गए हम, 5 मिनट में मेरी बैटरी मर गई और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, तो वापस घर पे आए, बैटरी थोड़ी सी चार्ज करी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, तो लरिसा सोशियोलॉजी की टीचर है, और इसने खुद ने ये सारी बुकें लिखी हैं, देखो कितनी सारी बुकें हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लरिसा एक प्रोफेसर है कैमेरोवो में, और वो बुक्स लिखती है, साइकोलॉजी पढ़ाती है। ये बुक्स है हाउ टू बी हैप्पी, ऐसा कुछ है,
सो काफ़ी सही है, सही जगह आया हूँ। हर चीज़ यहाँ पे अलग है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। चम्मच ले लो, ये ले लो, सब 50-50, 100-100 साल पुराने। और ये देखो पार्वती माता की, गणेश जी की। तो लरिसा इंडिया भी जा चुकी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनके किचन में। तो इनके घर में एक ये अजीब चीज़ देखो, ये जो नमक निकालने का चम्मच है उसको देखो, एकदम पुराने ज़माने का छोटा सा। और इसका बोल को देखो, इनके घर में कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं मिलेगी आपको। तो थोड़ा सा नमक डालते हैं, ये तो मसाला खाते नहीं है। मैंने अंदर करी मसाला डाला और थोड़ा सा नमक डाला। और ये इनकी बिल्लियाँ हैं, बिल्लियों के लिए हम खाना लाए। मे बी यू बोथ कैन स्पी हियर और परफॉर्म सम ट्रिक एंड आई विल शूट यू बोथ लाइक डांस और समथिंग मे बी हियर ट्रिक।